ऑफ द ईयर का टैलेंट राउंड शुरू होने जा रहा है. वी रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू गैदर इन द ऑडिटोरियम. क्या कनेक्शन है यार दोनों के बीच में. यू नो आई कैन फील इट. वैसे ये कनेक्शन तोड़ने के लिए सॉरी है. मैं तो रिया को ऑल द बेस्ट कहने आया था. आफ्टर ऑल ये परफॉर्मेंस कितनी यादगार होने वाली है ना. रिया कुछ धमाकेदार करना. और अगर हेल्प चाहिए हो ना तो डू टेल मी. तुम्हें तो पता ही है मैं धमाके कितने अच्छे करता हूँ. बच्चों का वीडियो तो अभी तक फैमिली में ही घूम रहा है सिर्फ. अगर रिया बेबी ने मेरी बात नहीं मानी तो ये फैमिली वीडियो पब्लिक वीडियो भी बन सकता है. Keep your fireworks with yourself only, Adi. मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी कि despite of all your evil plans, मैं ही ये राउंड जीतूंगी. Nice confidence, I must say. ओ भाई क्यों थक रहा है तू? हैं? तेरा जो कॉन्फिडेंस का लिमिटेड पैक है ना उसे बचा के रख, क्योंकि कंपटीशन के बाद तो वैसे भी मैं तेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दूंगा. जो कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो अनलिमिटेड है. तू चाहे अभी टेस्ट कर ले या राउंड के बाद, तेरी मर्जी. तेरे अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस पैक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जरा ध्यान देना कहीं ऐसा ना हो कि स्टेज पे भी किसी का थप्पड़ खा के मुंह के बल गिरे, है ना बेटा. तेरे को राउंड के बाद देखूंगा मैं. परफॉर्मेंस के बाद? सीरियसली? जो भी कुछ ज्यादा चहक नहीं रहा है? नहीं चहकेगा. रियली? एंड व्हाट अबाउट रिया? आपकी तो सॉलिड परफॉर्मेंस होने वाली है. ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए हम भी तो एक सॉलिड प्रेजेंटेशन दे रहे पूरे ऑडिटोरियम के सामने. लेट्स गो. मम्मा जी बच्चे मेरे तो अभी से ही पैर कांप रहे. पता नहीं स्टेज पे क्या होगा. ओए कुछ नहीं होना है, सब कुछ चंगा ही होना है. देख तू ये ऑडियंस स्टेप्स उस पे ध्यान ना दे, बस परफॉर्मेंस पे डूब जा. स्टेप्स अपने आप हो जाने, ठीक है? मैं हूं ना. अरे ये रेडी करनी है, ठीक है? मोमजी कहाँ थे आप? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी. देखो रिया पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ. अगर तुम्हें अपने किए पर जरा सा भी पछतावा है ना तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ SOTY पर होना चाहिए और किसी पर नहीं. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. गुड. मेरा कॉन्फिडेंस देखना था ना. राउंड के खत्म होने का इंतजार क्यों कर रहा है? उठा ग्लव्स, हो जा शुरू. अभी फैसला कर लेते हैं. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन 2016 टैलेंट राउंड. तो आइए इस टैलेंट राउंड को शुरू करते हैं. हमारी फर्स्ट कंटेस्टेंट है एमी. ओए कमाल है यार आदित्य जूनियर,
इतना कमजोर है कि तेरे को इसकी जरूरत पड़ती है? ऐसे ही कर लेते हैं दो दो हाथ। क्या हो गया आदित्य पुत्र, फिर से गिर गया? लगता है पंजाब का दूध और बादाम तेरे बर्गर पिज्जा पे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। चल चल उठ उठ, आ जा करते हैं दो दो हाथ। आदित्य कपूर इज रिक्वेस्टेड टू बी ऑन स्टेज एंड जोगिंदर खुराना प्लीज बी रेडी विद योर परफॉर्मेंस, यू आर नेक्स्ट। अब सुन छिछोरे, ये मुक्केबाजी का राउंड तो मैं जीत गया, अब तू देख अगला राउंड भी मैं ही जीतूंगा। कॉमेडी वाकई में बड़ी अच्छी करता है जोगी, पहले स्टेज तक तो पहुंच के दिखा। और हाँ, पंजाब वालों की डाइट बहुत अच्छी होती है ना, मार में भी कोई कमी नहीं छोड़ना। हाय जोगी। अनाउंसमेंट हो रही है। ग्रीन रूम में होगा? नहीं, अंदर तो नहीं है। तो वॉशरूम में होगा राहुल। अरे वहां पे भी नहीं है, कहां गया फिर? देख, प्रिंसिपल सर ने रूल लिखा है हर परफॉर्मेंस के बीच में सिर्फ 5 मिनट का गैप होगा, अगर वो नहीं आया ना तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई? पर राहुल, इस वक्त उसे ग्रीन रूम में या स्टेज पे होना चाहिए ना। जोगिंदर खुराना, आपका इंतजार हो रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए। कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा हुआ? प्रॉब्लम? ढूंढे उसे। हाँ हाँ, चल वीरे। जोगी, वीरे। जोगी, जोगी, ओए जोगी। वीरे, वीरे।
जैसे वहां पे भी नहीं मिला, कहीं और ढूंढते हैं। चल चल जल्दी चल। जैसे क्या हो गया राहुल? मुझे स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है कि वीरा आसपास ही है। अरे जुड़वा हो क्या तुम लोग? अगर एक को पड़ी तो दूसरे को असर होगा। फीलिंग आ रही है, और वैसे भी चिल्ला चिल्ला के हमने पूरा एरिया हिला दिया। अगर आसपास होता तो आवाज देता ना। चल जैसे टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चल ले भाई प्रभु देवा, अगर है हिम्मत तो अब करके दिखा डांस, और अगर इसके बाद भी तू डांस करता है तो मैं खुद सीटियां मारूंगा, बस समझा? यहाँ पे भी नहीं है। ओए जस्सी, जस्सी। मम्मा जी, वीरे कितने हैं? मैंने क्या पता, तीन चार बारी नाम अनाउंस कर देता उसका इन्होंने। वो चेंजिंग रूम में नहीं है क्या? नहीं। हाय कितने गया? जा ना ढूंढ के ला। मैं नाम अनाउंस कर देता उसका। जोगिंदर खुराना, आप जहाँ कहीं भी हो तुरंत स्टेज पर आ जाइए। जोगी पुत्र कितने रह गया तू, जल्दी आना। भाई काम हो गया, लेकिन उसे चोट बहुत ज्यादा आई है। अगर प्रिंसिपल तक बात गई तो पंगे हो जाएंगे, सब फंसेंगे। क्यों इतना मारा तुम लोगों ने? सोच रहा हूँ यार लॉन्ग जंप एथलीट बन जाऊं। मुझे सब फिट इंसान एटलीस्ट ओलंपिक्स में तो जा ही सकता है, लॉन्ग जंप में पार्ट लेने। जोगिंदर खुराना जहां कहीं भी हो स्टेज पर आ जाए। जोगी बाजी उठ जाओ यार, जहां भी हो जाओ, स्टेज से बुला रहे हैं आपको। क्या क्या तुम्हें जोगी के साथ? मैं रिया, मैं तो डांस कर रहा था, अभी अभी तो आया तुम्हारे सामने। ये भाई साहब से पूछ लो, ये गवाह है इस बात के। अरे मैंने भी तो देखा, he was so good. मैंने कुछ नहीं किया। anyway, आजकल जोगी के साथ जो भी होता है वो तुम ही करती हो। सो बताओ क्या किया तुमने जोगी के साथ? नहीं नहीं, none of my business, जो करना करो यार, बस ध्यान देना आसपास कहीं सीसीटीवी कैमराज ना हो। दोस्ती के खातिर बता रहा हूँ यार। लास्ट कॉल फॉर जोगिंदर खुराना, प्लीज बी ऑन स्टेज राइट नाउ। उठ जाओ यार जोगी पाजी, इसे कहते हैं लव, रिवेंज। अगर आप नहीं आए तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फालतू में थक रहे हैं यार ये लोग, कोई धार्मिक फिल्म थोड़ी चल रही है कि माता रानी बुलाएगी और जोगिंदर पाजी उठ के आ जाएंगे। अच्छी कुटाई हुई है यार, मेरी मानो ना तो एम्बुलेंस को बुला लो। वो जस्सी गई है जोगी को ढूंढने, अभी आता ही होगा। देखिए मिसेस खुराना, मुझे लगता है जोगिंदर नहीं आएगा, नर्वस हो गया है वो, और वैसे भी इतनी सारी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना मजाक नहीं है। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्म करने आया कि हम अगले कंटेस्टेंट को बुला रहे हैं। नहीं नहीं सर जी, मेरा बेटा नर्वस होने वालों में से नहीं है, उसने तो बाकी सबको नर्वस कर देना है, देखना आप। प्लीज प्लीज सर जी, थोड़ी देर वेट कर लो ना। है मिसेस खुराना,
हमको टाइम पर चलना होता है और उसके पास 5 मिनट थे जिसमें से कुछ वक्त अभी बाकी है सर जी मेरा बेटा आएगा चाहे थोड़ी देर के लिए रास्ता जरूर भूल गया हो अपना ऐसे माँ है गोद में सर रखे बैठने से आपने जो आग लगाई है आग लगाई वो नहीं कुछ ना मम्मा जी मेरी बात तो सुनो बात तो सुनो अब अगर ने रिया के आने पास या करने की कोशिश भी की ना तो मैं ये बात पुलिस तक लेकर जाऊंगा आखिरी 30 सेकंड भी खत्म हो गए जोगिंदर खुराना के एब्सेंट रहने की वजह से परफॉर्मेंस ये परफॉर्मेंस मेरी मम्मा जी को डेडिकेटेड For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.